हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आयरलैंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मालदीव्स जैसी कई खूबसूरत जगहों का ख्याल आता है, लेकिन भारत में भी एक ऐसा आयरलैंड है जो मालदीव्स जैसी जगह को भी पीछे छोड़ने में कुछ कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे आयरलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये आयरलैंड कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। आयरलैंड होने के साथ साथ ये भारत का यूनियन टेरिटरी भी है, और पहली बार भारतीय तिरंगा इसी आयरलैंड की राजधानी में लहराया गया था, और सदी की पहली सूरज की किरण भी इसी आइलैंड पर पड़ी थी। 20 रुपए के इंडियन नोट के पीछे जो जंगल है वो भी इसी आइलैंड का है भाई। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कछुए भी यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऐसी जनजाति रहती है जिन्हें आम लोगों से मिलने पर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा रखा है। कई मामलों में मालदीव्स को भी पीछे छोड़ चुका ये आइलैंड आज भारत की पहचान माना जाता है। इस आइलैंड से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड अंडमान एंड निकोबार की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 4.30 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये जगह काफी छोटी है, लेकिन इसकी खासियत कुछ कम नहीं है। अंडमान एंड निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार 572 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ये द्वीप समूह यहाँ के सफेद रेत और अपने जंगलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कई भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, निकोबारी भाषा, हिंदी भाषा शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या भी निवास करती है, और ये लोग अंदमानी, महा अंदमानी, सेंटिनीली और ओंगान जैसी भाषाएं बोलते हैं। ये बात तो कई बार साबित हो चुकी है कि भारत और खूबसूरती का नाता काफी पुराना रहा है। कभी गोल्डन बर्ड के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध भारत आज अपने राज्यों और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। विदेश घूमने जाने वाले लोग शायद ही भूल जाते हैं कि भारत में भी कई ऐसी जगह है जहां का नजारा आपको सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देगा। ऐसी ही एक जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, भारत का वो हिस्सा जिसके बारे में आज हर कोई जानता है। हर किसी ने अपने लाइफ में अंडमान एंड निकोबार जाने का सपना देखा होगा, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना हो। अंडमान और निकोबार आइलैंड को भारत के सबसे सुंदर यूनियन टेरिटरी में से एक माना जाता है। भारत के इस यूनियन टेरिटरी का नाम थोड़ा हटकर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस द्वीप का नाम पड़ा कैसे? चलिए बताते हैं कि आखिर अंडमान एंड निकोबार का मतलब होता क्या है। दरअसल अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नाम मलय भाषा के शब्द हांदुमन से निकला है, जो कि भगवान हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। इसके अलावा निकोबार शब्द का मतलब होता है नग्न लोगों की भूमि। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि पूरे देश में सबसे पहली बार भारतीय तिरंगे को पोर्ट ब्लेयर में ही लहराया गया था। यहाँ पर तिरंगा 30 दिसंबर 1993 को लहराया गया था, जब भारत अंग्रेजों के कैद से आजाद हुआ। तब 1947 में यह भारत का यूनियन टेरिटरी बना। अंडमान एंड निकोबार की अपनी एक अलग इतिहास है। यहाँ कभी एक इंसान का राज नहीं रहा। 17वीं शताब्दी तक अंडमान एंड निकोबार पर मराठाओं का शासन रहा। बाद में यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब उस दौरान जापान ने इस पर अपना हक जमाया था। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज ने अंडमान एंड निकोबार को अपने अंडर में रखा था। अंडमान एंड निकोबार का नाम पूरी दुनिया जानती है, और टूरिस्ट की फेवरेट डेस्टिनेशन होने के बावजूद लोग इस जगह को पूरी तरह से देख नहीं पाते। इस द्वीप के कुल 572 आइलैंड में से सिर्फ 36 पर ही घूमा जा सकता है। इसके अलावा बाकी आइलैंड घूमने और रहने लायक नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अंडमान गोवा की तरह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडमान गोवा से बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक फैला हुआ ये शांत समुद्र और इसका नीला रंग किसी को भी अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकता है। अंडमान में आकर लोगों के मन को शांति मिलती है और स्ट्रेस कम होता है। अंडमान एंड निकोबार की सबसे बड़ी खासियत यहाँ रहने वाली जनजातियाँ। अंडमान एंड निकोबार में लंबे समय से कई जनजातियाँ रही हैं, जिनमें निकोबारी, ओंगी, जारवा, महान, अंडमानी और शांपनी जनजातियाँ शामिल है। वहीं अगर जारवा जनजाति की बात करें तो जारवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55,000 सालों से रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जनजाति से आम लोगों के मिलने पर पाबंदी लगी हुई है। जी हाँ, जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती हैं,
और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है। दरअसल जारवा जनजाति के लोग हजारों साल पहले अफ्रीका से यहां आकर बसे थे। सरकार ने इस जनजाति के लोगों से आम नागरिकों या पर्यटकों के मिलने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन लोगों की संस्कृति पर आधुनिक संस्कृति का प्रभाव ना पड़े। यहाँ के लोग इस जनजाति के लोगों को आदिवासी कहते हैं। इनकी संख्या 500 से भी कम है। ये लोग बाहरी लोगों से खुद भी इसलिए बातचीत नहीं करते क्योंकि इन्हें बाहरी लोगों से डर लगता है। जारवा जनजाति के लोग आज भी धनुष बाण से शिकार करते हैं और इसी से मछलियां और केकड़ों का शिकार करते हैं। दोस्तों, काला पाने की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार में दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ पाया जाता है जिसका नाम है डेर्मोचेलिस कोरिएचा। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी पाया जाता है। वहीं अगर डेर्मोचेलिस कोरिएचा की बात करें तो कछुओं की इन प्रजाति को लेथर बैक सी टर्टल भी कहा जाता है। कछुओं की ये प्रजाति दिखने में भयानक होती है और इनका वजन ही 900 किलो तक का होता है। दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसी जगह है जहां लेथर बैक सी टर्टल पाए जाते हैं, जिनमें अंडमान एंड निकोबार का नाम भी शामिल है। इन कछुओं के अलावा कोकोनट क्रैब इस आइलैंड में पाया जाता है। ये साइज में बेहद बड़े होते हैं और पानी से दूर रहते हैं। इनकी बड़ी संख्या अंडमान पर पाई जाती है। इन्हें कोकोनट केकड़ा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पानी के बजाय इन्हें नारियल के पेड़ पर चढ़ना सबसे ज्यादा पसंद होता है। अंडमान एंड निकोबार में मछलियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सरकार ने यहाँ फिशिंग बैन कर रखी है। ये धरती के उन चुनिंदा जगहों में से है जहाँ मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वो अपनी जिंदगी जीती हैं। डुगोंग अंडमान का स्टेट एनिमल है। डुगोंग को सबसे शांत स्वभाव का माना जाता है और ये काफी शर्मीले होते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है और ये शाकाहारी जीव कई मीटर लंबे तक बढ़ जाते हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक होता है। 65 से 70 साल तक का जीवन जीने वाले ये जीव समुद्री घास खाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 20 रुपए के नोट के पीछे एक जंगल बना होता है। भारतीय मुद्रा में जो 20 रुपए के नोट पर जंगल बना हुआ है वो अंडमान द्वीप का ही हिस्सा है। ये तस्वीर अंडमान के एक खूबसूरत द्वीप की है जिसका नाम है नॉर्थ बे आइलैंड। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी है और यहीं से 20 रुपए के नोट पर बना ये जंगल साफ देखा जा सकता है। अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट भी सबसे खास है। इसके खास होने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल ये भारत के एकदम दक्षिण में स्थित है और इसे भारत का आखिरी बिंदु भी कहा जाता है। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है, लेकिन इस पॉइंट का इतिहास भगवान राम से जुड़ा है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने इसी पॉइंट पर क्रोध में आकर समुद्र से रास्ता मांगने के लिए अपना धनुष उठाया था। तब से लेकर एक तरफ का समुद्र शांत है तो दूसरी तरफ लहरों की उथल पुथल रहती है। इसी रास्ते पर राम सेतु बना है। इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस भारत होते हुए मलेशिया और मलक्का जाते हुए जहाजों को रोशनी देने का काम करता है। अंडमान निकोबार में देश की पहली ऐसी कमांड है जो तीनों सेनाओं को मिलाकर बनाई गई है। साल 2015 में सरकार ने यहाँ पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे जिनका मकसद तीनों सेनाओं के बीच आपसी मनमुटाव को ठीक करना था। अक्सर ज्वालामुखी की तुलना सोते हुए शैतान से की जाती है जो जागते ही सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। वहीं अगर बात करें ज्वालामुखी की तो देश का इकलौता सक्रिय वॉल्केनो अंडमान में ही है जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी कि भारत में सिर्फ अंडमान में वॉल्केनो देखा जा सकता है। इससे ज्वालामुखी को बैरन ज्वालामुखी कहा जाता है। ये वॉल्केनो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैले बैरन द्वीप ज्वालामुखी के आसपास कोई हरियाली या कोई आबादी, यहाँ तक कि जीव जंतु भी नहीं है। दोस्तों, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, अंडमान निकोबार में आपको भारत के हर राज्य से आए लोग बसे हुए दिख जाएंगे। यही कारण है कि अंडमान एंड निकोबार को छोटा भारत भी कहा जाता है। अब हर राज्य से लोगों को आने का मतलब है कि इस द्वीप पर हर त्योहार मनाया जाता ही होगा। अंडमान एंड निकोबार भारत की ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। इस द्वीप में अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ पर बंगाली लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, जबकि तमिल लोग पंगुनी, उथिरम, तेलुगु लोगों द्वारा पोंगल, ओणम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में आखिर क्यों ना इस द्वीप को सबसे अलग माना जाए। साथ ही आदिवासियों द्वारा हस्तशिल्प को यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। वहीं अगर बात करें खान पान की तो अंडमान एंड निकोबार का खान पान बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है। समुद्र के बीचों बीच बसे होने की वजह से सी फूड और समुद्री जानवर खाना यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मछली, लॉबस्टर, समुद्री जीव, झींगा और केकड़ा यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है। हालांकि यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं तो इस द्वीप के रेस्तरा में आपको हर
और वैरायटी का खाना मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो आपको अंडमान एंड निकोबार घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 45,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस द्वीप समूह पर आने का सबसे बढ़िया समय है दिसंबर का महीना। इस मौसम के दौरान पर्यटक सबसे ज्यादा आता है। इस वक्त यहाँ क्रिसमस और नया साल बहुत जबरदस्त से मनाया जाता है। आप इस दौरान यहाँ आकर अपना सबसे बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं। अगर आप अंडमान में वेकेशन का प्लान बनाते हैं तो यहाँ जाकर आप रोमांच से भर देने वाले वाटर स्पोर्ट्स, फुर्सत के पलों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं और कई ऐसे एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड अंडमान एंड निकोबार। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस आइलैंड की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।